अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नरगिस प्लांट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने टेरेस गार्डन पर सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने करेला, तोरी और बहुत सारे सब्जियों के प्लांट लगाकर उसमें सब्जियां उगाकर आपको वीडियो बनाकर दिखाई है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आज आप अपने गार्डन में सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अलग अलग पन्नियों में मिट्टी और थोड़ा सा खाद और नमी वाली मिट्टी मैंने यहाँ पर ली है, उसको लेकर अलग अलग पन्नियाँ बना ली हैं। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लौकी यानी कि घिया, सीताफल, तुरोई और साथ ही मैं यहाँ पर लगाऊंगी परवल। और मैं इन चीज़ों को अलग अलग लगाने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि हर एक पन्नी में मैं अलग अलग तरीके की सब्जियाँ लगा रही हूँ। इन सभी बीज को आपको क्या करना है कि अपनी चुटकी की मदद से हल्के हाथ से मिट्टी के अंदर दबा देना है। मिट्टी आपको हल्की लेनी है, यानी कि आपको सूखी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ी नमी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। और आपको अपने हल्के हाथों से मिट्टी के अंदर थोड़ा सा अंदर तक दबा देना है बीज को, और ऊपर से हल्के हाथों से क्या करना है कि उसे बराबर कर देना है। और इन सभी चीज़ों को एक के बाद एक लगाने के बाद आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप दो या तीन बीज ऐड कर रहे हैं तो आपको एक पास में नहीं लगाना है, थोड़ा एक आध इंच की दूरी पर ही आपको हर एक बीज को पन्नी में ऐड करना है, या फिर किसी गमले में अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। पहले मैं पन्नी में लगाऊंगी और जब देखूंगी कि ये लग चुका है उसके बाद से मैं किसी गमले में इसे ऐड करूंगी। और इस वक्त मेरे पास गमले जो है वो खाली नहीं है, ये परवल का बीज था जो मैंने एंड में लगाया। और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी हर एक पन्नी में या गमले में ऐड कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। आप नोटिस करेंगे कि हफ्ते दो हफ्ते में इसके अंदर से अंकुरित निकल आएंगे और ये आगे चल के एक बहुत ही अच्छा सा प्लांट बनेगा जो कि हमें ढेर सारी बिना केमिकल के सब्जियां देगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।